Good morning, students. In previous chapter, we read about sheep and their types of hair. They in which area they are found. In this chapter, we are going to study the steps by how to processing of fiber into wool. कैसे हम लोग फाइबर को ऊन बनाते उस चीज को पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि कौन कौन से ब्रीड को कैसे कैसे हम लोग कैसे कैसे ऊन प्राप्त करते हैं और कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं, उनका समराइज यहाँ पे किया हुआ. फर्स्ट लोही. लोही कैसा है तो गुड क्वालिटी ऊन ये देते हैं, ठीक है ना. ये राजस्थान पंजाब में पाए जाते हैं, रामपुर बुशहर. ये कहा ये कैसे वो क्वालिटी के ऊन देते हैं तो ब्राउन फ्लीस. इनके जो हेयर होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि सिप के जो हेयर होते हैं वाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं या ब्राउन होते हैं. इसलिए जो रियर कलर है वो ब्राउन हो और ब्लैक होते हैं, वाइट होते हैं. बाकी जितने भी हम लोग डिजायरेबल कलर पसंद करते हैं वो डाई किया होता है. ओके, तो ये सारे हम क्या है क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे. ब्राउन फ्लीस इनके होते हैं. ये कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नाली. ये कहाँ पाया जाता है, होता है इसलिए इनका कारपेट बनाया जाता है. राजस्थान हरियाणा पंजाब में पाया जाता है. बखरवाल ये कहाँ कैसा है तो उलन सॉल बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है. मारवाड़ी कोर्स उल जो गुजरात में पाया जाता है. पठानवाड़ी ये कहाँ पाए जाते हैं, किसके लिए पाए, होजरी के लिए हम लोग इसका क्या कहते हैं ब्रीडिंग करते हैं. ये गुजरात में पाया जाता है. तो ये सारे कुछ क्या है नाम है, उनके क्वालिटी है और वो स्टेट है कहाँ कहाँ पाया जाता है. इसमें से दो चार आप याद कर लीजिएगा तो कहीं भी एग्जांपल दीजिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स ऑब्टेन हो सकते हैं, ठीक है ना. तो ये आप क्लिक करके याद कर लीजिए और अब हम चलते हैं स्टेप कैसे हम लोग फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं उसके स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना. फर्स्ट स्टेप इज द शेयरिंग, ठीक है ना. शेयरिंग क्या होता है, जब द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग. शेयरिंग वो प्रोसेस है, पहले हम क्या करते हैं केयर किए, रेयरिंग किए शीप का. अब हम उसका क्या करेंगे, उसके बॉडी से जिसके लिए हम उसको पाले हैं, उसका केयर किए हैं, उनको हम लोग ध्यान से रखे हैं उसके कॉमर्शियल यूज के लिए. अब हम वो रेडी हो गया है जाएगा अगर बर्ड, तो हम क्या करेंगे उसके हेयर को हम कट करेंगे. तो एक पतला स्किन उनका जब कट करेंगे उसके साथ उस प्रोसेस को क्या कहते हैं शेयरिंग, जिसमें क्या करते हैं फ्लीस मींस हेयर ऑफ द शीप के हेयर को हम लोग क्या करते हैं उनके पतले स्किन के साथ रिमूव करते हैं. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं शेयरिंग. ये पतला स्किन मतलब उनके बॉडी से हम चमड़ी नहीं देते. आप जैसे घर में देखते हैं आपके फादर या आपके ब्रदर क्या करते हैं शेविंग करते हैं, बाल कटवाते हैं, तो वो जब शेविंग करते हैं तो उनका जो ऊपर का लेयर है वो डेड होता है, ठीक है ना. वो भी उनके साथ शेविंग के साथ क्या होता है निकलता है, रिमूव होता है. तो उन्हें वो कोई पेनफुल नहीं होता, ठीक है, उन्हें कोई दर्द नहीं देता. इस तरह हमारे सिप को भी ये इस प्रोसेस से कोई पेन नहीं पहुंचता और उससे कोई नुकसान नहीं होता. उनके क्या होते हैं डेड स्किन उनके साथ साथ निकलते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं शेयरिंग कहते हैं. सेकेंड स्टेप क्या है आपका स्कॉरिंग. स्कॉरिंग क्या है, रिमूविंग डर्ट ग्रीस एंड डस्ट फ्रॉम द हेयर रिमूव फ्रॉम द सिप इज कॉल्ड स्कॉरिंग, ठीक है ना. इस प्रोसेस में क्या करते हैं, अब हम तो बाल निकाल लिए, अब बाल में से हम जितने भी डर्ट होंगे ग्रीस लगेंगे या डस्ट होंगे सबको हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्कॉरिंग, ठीक है ना. इस प्रोसेस में सिंपल हम लोग क्या करते हैं जिनसे जितने भी गंदगी होते हैं उसको छाटते हैं, ठीक है ना. थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं सॉर्टिंग. सॉर्टिंग में आप नाम से ही क्या है समझ में आ रहा होगा, इसमें हम लोग सेपरेट करते हैं उनके टेक्सचर से उनकी क्वालिटी के अनुसार उनके बाल को. प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर ऑफ द शीप अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर इज कॉल्ड सॉर्टिंग. मतलब हमको इसको छांटना, ठीक है. हम लोग क्या करते हैं उनके शीप के बालों को छांटते हैं उनके टेक्सचर के अनुसार उनकी क्वालिटी के अनुसार. ओके, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं सॉर्टिंग. और फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं हम स्मॉल फ्लॉपी फर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, ठीक है ना. इसमें इस स्टेप में क्या करते हैं हम लोग फोर्थ स्टेप में कि जितने भी छोटे छोटे बर्ड्स बबल्स टाइप के जितने भी अनवांटेड फर्स आ जाते हैं उनको हम लोग पिक आउट करते हैं, निकाल के हटाते हैं, ठीक है ना. द फाइबर आर स्पोर्ट अगेन एंड ड्राइड. उसके बाद फिर वो फाइबर्स को हम स्पोर्ट करते हैं मतलब साफ सुथरा करते हैं, उसको सुखाते हैं, एक फोर्थ स्टेप में करते हैं. आप देखते हैं घर में भी स्वेटर सॉल यूज करते हैं, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं बबल्स हो जाते हैं, उनको भी हम लोग निकाल निकाल इसी प्रोसेस को क्या करते हैं
सेपरेटिंग फ्रॉम बर्थ, ठीक है ना, हम बर्थ से उसको सेपरेट करते हैं, ये फोर्थ स्टेप है। अब फिफ्थ स्टेप हम देखेंगे, फिफ्थ स्टेप देखेंगे और उसके बाद हम सिक्स्थ स्टेप देखेंगे। ओके, हियर वी स्टडी द फर्स्ट स्टेप शेयरिंग, सेकेंड स्टेप स्कोरिंग, थर्ड स्टेप इज सॉर्टिंग, फोर्थ स्टेप इज क्लियरिंग ऑफ बर्ड्स। क्लियरिंग ऑफ बर्ड्स मतलब आप जान गए कि क्या वो छोटे छोटे जो बबल्स आ जाते हैं उनके स्किन के हेयर पे, उनको क्या करते हैं हम लोग हटाते, पिक आउट करते हैं और उनके फिर पॉर्स को स्कोर करते हैं, मतलब सफाई करते हैं, फिर उसको डाई करते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको मन चाहे कलर में उसको डाई करते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड फिफ्थ स्टेप इज द डाइंग, द फाइबर आर डाइड इन वेरियस कलर। ओके, हम लोग जान चुके हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कलर, नेचुरल कलर, दैट इज व्हाइट, ब्लैक एंड ब्राउन, बट हम लोग अपने मनचाहे कलर में उसको डाई करते हैं, बहुत सारे कलर में फिफ्थ स्टेप में हम लोग करते हैं, ठीक है ना, दैट इज द फिफ्थ स्टेप। एंड सिक्स्थ स्टेप इज द रोलिंग, रोलिंग। अब जब हम क्या कहें सब चीज प्रोसेस कर ली, हमारा फाइबर अब तैयार है, ठीक है ना, अब हम उसको क्या करेंगे, यार्न बनाएंगे, धागा बनाएंगे, ताकि हम लोग क्या करें उससे हम फैब्रिक बना सके, उससे हम क्लॉथ बना सके, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, रोलिंग करेंगे, द फाइबर आर स्ट्रेटेन, मतलब फाइबर्स को हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे, लंबा मतलब उसको धागे में बनाएंगे, उसको कॉम करेंगे एंड उसको रोल करेंगे यार्न में, ठीक है ना, उसको मतलब साथ में उसको स्ट्रेट भी करते चले जाएंगे, कॉम भी करते जाएंगे, उसके साथ साथ उसको धागे में भी बनाएंगे, ताकि हमारा धागा क्या हो, एकदम फाइन निकले, ठीक है ना, दैट इज द फोर्थ स्टेप। अब हमारा क्या हो गया, हमारा फाइबर तैयार हो गया, अब इस यार्न में बन गया, अब यार्न हमारा क्या होगा, क्लॉथ में डेवलप होगा, ठीक है ना। जितने भी लंबे लंबे जितने यार्न बनते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ बनाने का यूज करते हैं, और जितने भी छोटे यार्न्स होते हैं उसका हम लोग वुलन स्वेटर वगैरह को बनाने के लिए यूज करते हैं, लंबे यार्न्स हम लोग शॉल बनाने के लिए और बहुत सारे मटेरियल बनाने का यूज करते हैं, लेकिन जितने छोटे छोटे उसके हम स्वेटर के लिए काम कर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द स्टेप्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऊन प्रोडक्शन। ऊन हमें ऊन कैसे मिलता है हमें स्टेप से समझ में आया, तो इतने लंबे प्रोसेस के बाद हमें ऊन मिलता है और तब हम जाकर उसका कपड़ा बना के पहनते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम तो जाते हैं पैसा पे करते हैं और तो हम आसानी से सामान ले लेते हैं, और इसके पीछे क्या मेहनत है, किस प्रोसेस से बना है, ये हम आज जान लें, ठीक है ना। इसमें एक और क्या है, कोई भी चीज़ के पीछे कुछ डिमेरिट भी होता है, इसमें क्या है, एक एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को इस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। जब क्या होता है सॉर्टिंग करते हैं हम लोग, तो उस समय क्या होते हैं उनके बालों में से बहुत सारे क्या होते हैं गंदगियाँ जब निकलती हैं तो कुछ बैक्टीरिया भी निकलते हैं, तो वो क्या है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज, जो क्या होता है ब्लड डिजीज क्रिएट करता है, ठीक है ना। जब वर्कर के बॉडी में ये इंटर करता है तो उनमें ब्लड डिजीज फॉर्म करता है, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं सॉर्टर्स डिजीज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सॉर्टिंग के समय क्या होता है उनमें आता है, इसलिए इसे सॉर्टर डिजीज भी कहते हैं। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री कॉल द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ठीक है ना। जितने भी काम करने वाले जगह पे इस तरह के डिजीज वर्कर्स में हो जाते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिल्क के बारे में पढ़ाएंगे, अब सारे ऊन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, इसको आप देखिए बार बार और इसको समझने की कोशिश करिए और सारी चीज़ को नोट डाउन करिए, ठीक है ना।